युवराज रात को खेत में रुकाड़ी करने के लिए बलियों से माला बना दिया है। रात को क्या नील गाय की आने की परेशानी से या खेत में सोने के लिए ये नाड़ निशंडी बना दी है, इसके ऊपर सो जाते हैं। इसे क्या ये काफी 6-7 फुट हाइट पे है, जानवरों के छोटे जानवर उसका भी डर नहीं रहता और खेत की रखवाली कर सकते हैं। ये चौड़े हैं, चौड़ों के भी फलियाँ नहीं आई है, ये बहुत बड़े हो रहे हैं। मूंगों के तो फलियाँ आ गई है, मूंगों के तो बहुत शानदार फलियाँ है, ये देखिए। खेती के लिए भाई 24 घंटे चाहिए खेत में, अगर 10 मिनट में ऐसे छोड़ दे तो गाय तब की बार बीमार हो गई, कमी खाती है, आती नहीं है खेतों में इतनी। नील गाय रोज जड़े बोलते वो ज्यादा है, वो एक 10 मिनट में ऊपर से फलियां फलियां तोड़ देती है, जो ये मूंग की फली लगती है ये ऊपर से काट देती है, काट के खा जाती है। मूंगा के शानदार फली आई है, अब देखिए बहुत बढ़िया फली आई है। बीच में चौड़े ये सब एक बार रोज काट दिए थे, पूरे खा गए थे, अब वापिस फूट के नहीं हुए। नजारा ये फलिया आप यहाँ से देख सकते हैं, वो 15 दिन और उकाड़ने पड़ेंगे, फिर बाद में इसको उकेल लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, फिर बाद में सूखे नहीं खाएंगे। ये इस साइड मूंग है, ये इस साइड मोट है, ये वाले टमाटर की फलिया लगी है, इसके नीचे लगी है, ये बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये ऊपर पत्ते और नीचे लगी रहती है फलिया इसके, पौधे के नीचे की साइड में। अब की बार काकड़ियां नहीं हुई है, बिल्कुल ही नहीं हुई। ये इधर बाजरा, बाजरे की फसल एक जैसी नहीं है, ये काफी ज्यादा वर्षा से काफी छोटी हो गई, कुछ छोटी रह गई, लेकिन ये सिटी सबके निकल गई अब करीब करीब, थोड़ी ज्यादा फसल बरसात की वजह से, और यूरिया डाली थी, इस यूरिया थोड़ी लेट डालने से पकड़ तो ली आगे वाली बड़ी वाली बाजरी को बराबर हो गई करीब करीब। ये सोने के सिट्टे, सोने के सिट्टे, ये देखो चमक रही है सोने की तरह, वह
वैसे कुल मिला के सभी फसल ठीक ही है। ये बाजरा, ये इस साइड में मोट है और आगे मूंग है और उससे आगे और बाजरा है। ये बाजरा के मूंग को बीच में बोया क्या, वो जा रास्ता बहता है उस साइड में क्या, वो बिगाड़ का डर ज्यादा रहता है उस साइड में, वो नीलगाय वगैरह ज्यादा आती जाती रहती, इसलिए मूंगों को बीच में बोया। पहले अच्छी आई है, किसान की मेहनत का फल भगवान देता था। पहले सूखने लगे, ये ब्लैक ब्लैक लग रही है, सब सूखने लग गई है। पहले हरी है वो अभी सूख रही है। ओके गाइस।